अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने एक पार्ट कर लिया था 5/7। अब हम 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। 3 और 5, 3 यहाँ पे क्या है, न्यूमिरेटर, और 5 क्या है, डिनोमिनेटर। अब किसको हम यहाँ पे अंदर रखेंगे, 3 को और 5 को क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। अब अगेन 3 जो है देखें वो 5 से छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये 0 यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0, और इसके साथ क्या लगाएंगे, पॉइंट। अब ये क्या बन गया, 30। अब ये 5 के साथ डिवाइड हो सकता है, तो 5 6 30, 30 में 30 माइनस करें बाकी क्या रहता है, 0। यानी ये मज़ीद आगे जो है वो नहीं चल सकता, ये यहीं पे टर्मिनेट हो गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाए, बुक पे पार्ट नंबर 1, इसमें आपने कुल निकाल लिया 5/7 जो क्या था आपका नॉन टर्मिनेटिंग था, और 3/5 क्या है आपका एक टर्मिनेटिंग। इस तरह आपने पार्ट नंबर 3, 4, 5 एंड 6 आपने खुद से सॉल्व करके देखने हैं कि इनमें से कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है।